हम लोग एक कठपुतली है सरकार का, डमरू वाले हैं, हम लोग डमरू बजा रहे हैं, बस घूम रहे हैं। पता है उधर से सरकार अपना लेटर पे लेटर भेजा जाता है, कोई काम तो हम लोग के हाथ में रहा नहीं। माओ लेकर के हम लोग को पंचायत में भेजा है, आज हम लोग जनता को एक चीज नहीं दे पा रहे हैं। एक आवास का मामला था, आज लगभग हम सोच रहे हैं कि 2 साल से एक जनता को हम एक आवास नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों मुखिया बने। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर शनिवार को टेरागाछ में मुखिया संघ द्वारा ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक हड़ताल व कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्य, सरकारी कार्यक्रमों के बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। इसी कड़ी में टेरागाछ प्रखंड मुखिया संघ 29 अगस्त 2023 को जिला मुख्यालय पर होने वाले धरना प्रदर्शन के द्वारा मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी गनोर पासवान को प्रखंड मुख्यालय परिसर में सौंपा गया है। वहीं स्थानीय मुखियाओं ने बताया कि टेरागाछ प्रखंड मुख्यालय परिसर में भी 22 अगस्त 2023 को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो हम लोग गांधी मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड स्तर पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन का कोई दिन तय किया है क्या? जी 22 तारीख को। जनता ने बहुत सारा उम्मीद लेकर के हम लोग को पंचायत में भेजा है, आज हम लोग जनता को एक चीज नहीं दे पा रहे हैं। एक आवास का मामला था, आज लगभग हम सोच रहे हैं कि 2 साल से एक जनता को हम एक आवास नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों मुखिया बने। तो मांग क्या है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि सरकार मेरी बात सुने, जिस तरह से हमारे प्यार पूरे प्रदेश काम नहीं कर रहे हैं, पंचायत का काम को बंद कर दिए हैं, और 22 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे प्रखंड में, और पूरे बिहार में बैठेंगे, उसके बाद 29 तारीख को जिला में बैठेंगे, और पूरे प्रदेश में, प्रदेश के जितने जिले हैं सब में बैठेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों के समर्थन में बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर मुखिया संघ टेरागाछ के द्वारा प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी गनोर पासवान को मांग पत्र सौंपा है। वही एक ये है कि हम लोग मुखिया बन के भी मुखिया नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर से जितना भी काम होता है सबका लेटर आ जाता है कि वही तय करेगा, तो हम लोग एक कठपुतली है सरकार का, डमरू वाले हैं, हम लोग डमरू बजा रहे हैं, बस घूम रहे हैं। पब्लिक का इधर से गाली सुनना पड़ता है, उधर से सरकार अपना लेटर पे लेटर भेजा जाता है, कोई काम तो हम लोग के हाथ में रहा नहीं। कितना दिन से हड़ताल पे आप लोग? हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक हड़ताल। आगे की रणनीति क्या है आप लोग? आगे की वही सरकार से मांग है कि हम लोग का जो पहले पंचायती राज का जो सिस्टम था वो वापस किया जाए, जो पंचायती राज में पहले हो रहा था उसी तरह हम लोग दोबारा सरकार हम लोगों का हक हम लोग को दे, और हम लोग अपना सिस्टम से काम करेंगे। ब्रेडा वाला जो लाइट लगाने के लिए बोल दिया, हर क्या नाम है वार्ड में जनगणना भी हो गया, सब कुछ हो गया कि 4 वार्ड में लाइट लगना है, मगर आज तक लाइट नहीं लगा। पब्लिक गाली ये बोलती है कि मुखिया सब पैसा खा गया। आज जो है नल जल योजना सरकार जो चलाई वो अपना मर्जी से ठेकेदार को दिया, ठेकेदार वो भी विफल हो गया। आज नल जल योजना देखा जाए तो टेरागाछ प्रखंड में कहीं पे भी नहीं पानी निकल रहा है पूरी, उसमें तो पीने के बाद वो अच्छा क्या, वो तो मर जाएगा बेचारा पब्लिक। मांग है मुख्य रूप से आप लोग? मुख्य रूप से हम लोगों का 7 सूत्रीय ये मांग है, ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तीसरा है ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, सरकार ग्राम सभा में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए। चौथा है मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेडा असफल हो चुकी, इसे पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। पांचवा पंचायत सरकार भवन के निर्माण में पूर्व में ही असफल साबित हुई है, इसमें एलईओ से हटाकर पुनः वार्ड क्रियान्वयन का जिम्मा कर दिया जाए। छठा है मुख्यमंत्री जल नल योजना का कार्य पूरी तरह बाधित है, इसे पीएचडी से हटाकर पुनः ग्राम क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की जाए। हम लोगों ने अपना एक ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा है, जिसमें जो है कि 22 तारीख को प्रखंड स्तरीय एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय के सामने में। हमारे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के तरफ से एक आह्वान किया गया है, जिसमें से 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हम लोग हड़ताल में हैं।
और इसमें विभिन्न मांगों को लेकर करके हम लोगों ने जो है कि अभी जो है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। 22 तारीख को हम लोग को प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन करना है, उसके बाद 22 के बाद 29 तारीख को जिला में जो है कि धरना प्रदर्शन है। इससे भी अगर हम लोग की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जो है कि एक चरणबद्ध तरीके से एक रणनीति तैयार करके पटना विधानसभा का घेराव करते हुए जो है कि पूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें हमारी जो है कि विभिन्न मांगे हैं जिसका